दोस्तों इसमें हम बात करेंगे आईसीसी एकेडमी समर T20 कप का आज का दिन का पहला T20 मैच के बारे में और इसको डीपली कवर करेंगे। हर प्लग स्टैट्स, बैटिंग ऑर्डर, कौन कितने ओवर डाल के देगा, स्टार्टिंग ओवर, डेथ ओवर और ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। वैसे भी आप देखोगे दोस्तों बीबी की जो टीम्स है ना, इनका टीम का अभी पहला मैच होगा इस टूर्नामेंट में, मतलब इनकी टीम का एक भी मुकाबला हुआ नहीं है। वैसे डीडीडी जो टीम्स है ना, इनकी टीम ने भाई लास्ट गेम मतलब खेले थे, स्कोरिंग तो बहुत शानदार करवाई थी, 174 रन बनाए थे, फिर भी इनकी टीम ने हारी थी, ठीक है, क्योंकि इनके बॉलिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा वीक था। और इस वाला वीडियो में आपको हर पल का स्टैट्स, बैटिंग ऑर्डर, कौन कितने ओवर डाल के, मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कि ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो बस आपको वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी कर लीजिएगा। उसके अलावा टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्योंकि वहीं पे आपको फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है हमारे थ्रू। तो टेलीग्राम पे बिल्कुल भी जुड़ेंगे दोस्तों, 15,200 15,300 इसी के समथिंग आपको सब्सक्राइबर दिखने वाले हैं। मैच टाइम रहेगी 9:30 बजे, वेन्यू सेम रहेगा, विकेट हम न्यूट्रल कहेंगे। वैसे भी आप देखोगे स्टार्टिंग के तीन मैच में हुआ क्या था, जो फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर रही थी टीम, उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा था। वैसे भी देखोगे आप दोस्तों यहाँ पे डीडीडी की टीम ना स्ट्रॉन्ग है, इनकी टीम का एक वाला मुकाबला ऑलरेडी हुआ है और उनकी टीम ने 174 रन बनाए थे, विकेट तो गिरे थे बट अच्छा खासा स्कोरिंग इनकी टीम ने भी करवाई थी। इनके जो ओपनर थे होते मोहम्मद नासिर और साई पिलाई, इनके साथ आए थे अभय ज्योतिन। बात करेंगे मोहम्मद नासिर की, देखेगा आपको दोस्तों बैटिंग सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन है, रहना भी चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग बताई भी थी कल वाला मैच में कि इन्होंने T20 के अंदर 40 मैच में 1000 प्लस रन करे, 31 का एवरेज और 11 ओवर के बोलिंग करवाई है। ज़्यादा बोलिंग नहीं कराता, मतलब पार्ट टाइम डालता है कभी कभार, आप मान लो दोस्तों, ठीक है। बैटिंग से बढ़िया पलर है, बैटिंग सेक्शन में आपको दिख जाता है, स्मॉली की टीम आप ले सकते हो, काफ़ी कम सिलेक्शन है बट आपके लिए एक डिफरेंट ऑप्शन रहेगा। लोग इनको नहीं ले रहे क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंट थोड़ा सा कम है। उनके बाद आएंगे अभय ज्योतिन, ये भी आपको दिखेगा दोस्तों बैटिंग सेशन में ही 30 पे आउट हुआ, ये भी था और लास्ट गेम ही खेला था। उसके अलावा स्टार्टिंग में बने बहुत सारे मैचेज का इनके स्कोर कार्ड निकाली थी, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था बनता, लास्ट गेम खेला था 30 रन बनाए थे। डिफरेंट ऑप्शन रहेगा, इन दोनों में से आपको किसी एक को पल्ले को पिक करना, दोनों को नहीं लेना। अगर आपको नासिर को ले रहे हो तो इनको छोड़ना है, अगर आप अभय को ले रहे हो तो नासिर को छोड़ना है। वन डाउन खेले थे राहुल सोनी, बढ़िया पलर है, कांवर पे आउट हुआ था। दिखेगा आपको विकेट कीपर सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन है और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि विकेट कीपर सेक्शन से आप राहुल सोनी के साथ ही जाइएगा, क्योंकि T20 के अंदर आप इन्होंने देखोगे दोस्तों 4 मैच में 165 रन था 41 के एवरेज से। स्मॉली की टीम में आपको विकेट कीपर सेक्शन से इनको ही लेना पड़ेगा। उनके बाद आएंगे हारून घोष, जिन्होंने 41 पे आउट हुआ था T20 के अंदर, 27 मैच में 900 प्लस रन करे, 52 के एवरेज से, मस्ट पिक रहेगा, बैटिंग सेक्शन से आप इनको ले लेना। उनके बाद आएंगे अब्दुल अजीज, मोहम्मद रशीद, दोस्तों इनका ना बहुत बड़ा नाम है बट आप इनका परफॉर्मेंस आप देखोगे लास्ट गेम हुआ क्या था, इन्होंने 4 पे आउट हुआ था, ठीक है। बैटिंग से इन्होंने 3 ओवर के बॉलिंग करवाई थी, बैटिंग से तो बहुत जल्दी आउट हुआ था, 3 ओवर के बॉलिंग भी डाली थी बट विकेटलेस गया था। विकेटलेस पता क्यों गया था, क्योंकि स्टार्टिंग ओवर यूज हो रहे थे। वैसे T20 के अंदर 89 मैच में इन्होंने 71 विकेट निकाले, 2400 प्लस रन भी है, काफ़ी कम सिलेक्शन है, मतलब 7 से 8% आपको देखने को मिलेगा और आपके लिए एक पंथ पिक रहेगा, मतलब लोग इनको नहीं ले रहे लेकिन आपको लेना है अगर आपको रिस्क लेना पसंद है, मतलब ग्रैंड लीग की टीम आप ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग की टीम तो छोड़ना ही है। उनके बाद आएंगे पुण्या मेहरा, बैटिंग सेक्शन में आपको दिखता है काफ़ी कम, मतलब काफ़ी कम सिलेक्शन था कल वाला मैच में बट वो ज़्यादा बढ़ गया, हालांकि कुछ खास नहीं करवाई थी लेकिन हुआ क्या है इनके साथ, अभी ना एक रिसेंट में रमदान T20 का सीरीज हो रहा था वहाँ पर हमने देखी थी पुण्या मेहरा को, टीम ऊपर भी खिला रही थी नीचे भी खिला रही थी, मतलब इनके साथ ये रिस्क रहेगा भाई कि बैटिंग कहाँ पे करेगा। अगर इनको टीम बैटिंग ऊपर करवाती है ना, मेरे हिसाब से तो अब्दुल अजीज़ के ऊपर ही खेलने चाहिए, अगर वहाँ पे खेल जाता है तो फिर आपके लिए एक पंथ पिक होगा, हालांकि इनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। उनके बाद आएंगे रितेश पुजारी, काफ़ी कम सिलेक्शन था, हमने स्मॉली की टीम में कैप्टन भी करी थी कल वाला गेम में, इन्होंने बैटिंग से 11 रन करे थे, 2 विकेट निकाला था, 3 ओवर के बॉलिंग करा के, स्मॉली की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन से आप इनके साथ भी जा सकते हो। उनके बाद आएंगे रियान डिसोजा, जो कि 7 पे आउट हुआ था, वैसे उनका T20 का स्टैट्स देखोगे 140 मैच में 5200 प्लस रन भी करे है, प्लस 100 विकेट भी है। स्मॉली की टीम में छोड़ना है इनको क्योंकि इन्होंने लास्ट गेम में बॉलिंग डाला ही नहीं था। उनके बाद आएंगे मोहित राघव, 2 ओवर के स्टार्टिंग यूज हुए थे और 1 ओवर मिडिल ओवर में डाला था, 3 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला था, बैटिंग से इन्होंने 2 रन करे थे T20 के अंदर, 6 मैच में 5 विकेट, 21 ओवर डाल के, जब भी खेलेगा ना 3-4 आपको ओवर डालकर नजर आएंगे, ठीक है। उनके बाद आएंगे फरहान हनीफ, जो कि 3.3 ओवर के बॉलिंग करवाई थी, कंप्लीटली डेथ में यूज हुआ था, इन्होंने भी 1 विकेट निकाले थे, हालांकि इनका T20 का स्टैट्स देखोगे तो 39 मैच में 24 विकेट है, 67 ओवर डाल के, ज़्यादा विकेट टेकर बॉलर नहीं है लेकिन जब भी खेलता है प्रॉपर बॉलिंग डालता है तो आप इनके साथ जा सकते हो। कृष्णन बालासुब्रमण्यन मीडियम प्रेशर बॉलर है, 3 ओवर के बॉलिंग करवाई थी, विकेट लेस गया था, 83 मैच में 81 विकेट है, 340 ओवर के बॉलिंग करा के, कंप्लीटली अभी विकेट टेकर बॉलर है, आप स्मॉली की टीम में इनके साथ भी जा सकते हो लेकिन काफ़ी कम सिलेक्शन है, लेकिन आपको लेना है दोस्तों अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हो। अगर ऐसे भी आप टीम इस टीम को फेवर कर रहे हो तो जिनको जिनको विकेट नहीं मिला था ना लास्ट वाला गेम में, आप उनको ग्रैंड लीग की टीम में ज़रूर रखिएगा।
देखो दोस्तों, इन दोनों में से मैं अभय ज्योतिन के साथ जाऊंगा। राहुल सोनी को विकेट की पसंद से पिक करूंगा, बैटिंग से पिक करूंगा। हारून घोष को अब्दुल अजीज को ना ग्रैंड लीग की टीम में भाई कैप्टन कर लेना, ऑलराउंडर सिस्टम आपको दिखेगा। काफ़ी कम सिलेक्शन है ग्रैंड लीग की टीम में, पंत पिक रहेगा। उनके बाद अगर रितेश पुजारी मस्टे पिक रहेगा, मोहित राघो को पिक करेंगे। फरहान हनीफ, देखो मोहित राघो तो आपके लिए मस्टे पिक रहेगा, फरहान और यहाँ पे कृष्णन में से किसी को लेना है। अगर आप स्मॉल ही खेलते हो तो मैं प्रेफर करूँगा फरहान को ले लो, क्योंकि इन्होंने डेथ में यूज़ हुआ था। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो कृष्णन को ज़रूर आप ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग दो बार यूज हुए थे, मोहित राघव, फरहान हनीफ। डेथ में आए थे फरहान हनीफ, रितेश और यहाँ पे अब्दुल अजीज। ये जो तीन प्लेयर थे ना 16 से लेकर 20 ओवर के बीच में जो चार ओवर रहते हैं वहीं इन्होंने बॉलिंग करवाई थी, ठीक है। बैट्समैन के जितने भी प्लेयर्स बैठे हैं मैंने सबको ऑलमोस्ट स्टैट्स निकाली है, और टीम में से किसी भी प्लेयर्स को मौका देती है तो जरूर बताऊंगा आपको टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आप बिल्कुल भी जुड़ेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। सामने की टीम है दोस्तों बेबी की टीम से, और इनके जो ओपनर रहेगा मतलब आज का दिन का ना इनका पहला ही मैच होगा इस टूर्नामेंट में भी, ठीक है। इससे पहले इस टूर्नामेंट सीरीज में मतलब एक भी मुकाबला खेला ही नहीं है। और इनके जो ओपनर रहेगा वो रहेगा महफूज इलाही, इनके साथ आएंगे खालिद इब्राहिम। बात करेंगे महफूज इलाही की, काफ़ी कम सिलेक्शन है, मतलब इनका एक बार जाकर जरूर सिलेक्शन चेक करिएगा, पता कितना है 8% आपको देखने को मिलेगा। 92 मुकाबले खेले T20 के अंदर, 2500 प्लस रन करे, 27 के एवरेज से 68 विकेट, 167 ओवर की बॉलिंग करा के। दोस्तों बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग कराता है, बट मैं बोलना जरूर चाहूँगा कि ना दो तीन ऐसा करके ओवर डालता है, ऐसा नहीं कि भाई चार ओवर के प्रॉपर बॉलिंग डालता है। मतलब ऑलराउंडर है, कभी कभार बॉलिंग डालता है, खेलता है तो ओपनिंग कराता है। आपके लिए एक पंत पिक हो सकता है, बैटिंग सेशन में काफ़ी कम सिलेक्शन है, आप स्मॉल की टीम इनको भी मतलब इनके साथ भी जा सकते हो। उनके बाद आएंगे खालिद इब्राहिम, ऑलराउंडर सेशन में दिखेगा, मस्ट पिक रहेगा। बहुत सारे मैच में इन्होंने ओपनिंग भी करवाई थी तो ओपनिंग भी करवा सकता है। T20 के अंदर 132 मैच में 2700 प्लस रन है, प्लस 134 विकेट है। खालिद इब्राहिम ऑलराउंडर सेशन में दिखेगा, स्मॉली की टीम में अपन को पिक करके चलना है। उनके बाद आएंगे मोहसिन मोत्तू, जो कि T20 के अंदर 215 मैच में 6210 रन है, प्लस 153 विकेट है। बैटिंग से भी इसका स्कोरिंग देखोगे ना बहुत तगड़ा है, मतलब 33 के एवरेज से इन्होंने स्कोरिंग कराई थी। ऑलराउंडर सेशन में दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन है और आपको स्मॉली की टीम में लेना है। उनके अलावा आपके लिए एक पंत पिक इस वाला गेम में, मतलब गेम चेंजर आप कह सकते हो, कि मूसा बेंजेरिट रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने T20 के अंदर में ना बहुत सारे मैच में ओपनिंग भी कराई थी। काफ़ी कम सिलेक्शन है दोस्तों बैटिंग सेक्शन से। इनका आप T20 का स्टैट्स देखोगे, 17 मैच में 623 रन है, 44 के एवरेज से। आप स्मॉली की टीम में ज़रूर रखिएगा, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हैं ना तो मूसा को जरूर रखिएगा दोस्तों। हमने देखा था एक आध दो मैच में बंदा ओपनिंग भी करवाई थी तो ओपनिंग भी करा सकता है। दानिश हफीज दिखेगा आपको विकेट कीपर सेक्शन में, काफ़ी कम सिलेक्शन है, रहना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि 81 मैच में 2700 प्लस रन करे। वैसे भी विकेट कीपर सेक्शन से हमने सामने वाला टीम से राहुल सोनी को पिक कर रहा है, तो अपन स्मॉली की टीम में उनके साथ ही जाएंगे। उनके बाद आएंगे माजिद मंजूर, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, T20 के अंदर 85 मैच में 2100 प्लस रन करे। स्मॉली की टीम में आपको नहीं लेना। और माजिद मंजूर ये भी आपको देखेगा विकेट कीपर सेक्शन में, मतलब दोनों को विकेट कीपिंग करवाता है, मतलब दोनों में से कोई एक ही विकेट कीपिंग करवाएगा, मेरे हिसाब से माजिद करवाएगा। लेकिन हमने विकेट कीपर सेक्शन ऑलरेडी सामने वाला टीम से पिक करा है राहुल सोनी को, तो हम स्मॉली की टीम में उनको ही पिक करेंगे। उनके बाद आएंगे साकिब अमीन, आपको दिखेगा दोस्तों बैटिंग सेक्शन में काफ़ी नीचे खेलता है। T20 के अंदर 139 मैच में 123 विकेट है। देखो आपको दिखेगा बैटिंग सेक्शन में, लेकिन एक कंप्लीट बंदा बॉलर है, मतलब कंप्लीटली बॉलर है दोस्तों, और ज़्यादातर आपको बॉलिंग से पॉइंटर्स देगा। उनके बाद आएंगे मुदस्सिर वानी, 70 मैच में 63 विकेट है, 244 ओवर के बॉलिंग करवा के। आपको दिखेगा बॉलिंग सेक्शन में, मस्ट पिक रहेगा। बिलाल अहमद ने भी 109 मैच में 109 विकेट निकाले, मस्ट पिक रहेगा। उनके बाद आएंगे उस्मान ट्रम्बो, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, 140 मैच में 160 विकेट है। बॉलिंग से ज़्यादा इनका परफॉर्मेंस आई है। उसके अलावा इनका आप देखोगे दोस्तों बैटिंग से भी करवा सकते हैं, क्योंकि 140 में से 2900 प्लस रन कम नहीं होते, अगर इनको टीम बैटिंग देती है ना तो बैटिंग भी करा सकता है बंदा। ऑलराउंडर सेशन में दिखेगा, ऑलराउंडर के पूरे भूमिका निभाते नजर आएंगे। उनके बाद आएंगे खलील ट्रम्बो, राइट आर्म मीडियम प्रेशर बॉलर है, 70 मैच में 84 विकेट है, एक मेन विकेट टेकर बॉलर है दोस्तों। हम इस टीम से प्रेफर करेंगे महफूज को। उनके बाद आएंगे खालिद के साथ जाएंगे, मोहसिन को डायरेक्टली पिक करेंगे, मूसा को जरूर रखिएगा दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम में। ग्रैंड लीग की टीम में जब इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी, ग्रैंड लीग की टीम में आपको कैप्टन भी करना है। उनके अलावा स्मॉली की टीम में अमीन को ले सकते हो, भले बैटिंग में वाला की बात है लेकिन बंदा बॉलिंग करवा के देगा। उनके बाद यहाँ पे मुदस्सर वानी भी मस्ट रहेगा दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा खालिद, और इन दोनों में से आप किसी को ले सकते हो, क्योंकि वैसे भी सामने वाला टीम भी बढ़िया टीम्स है, तो इस टीम से ज़्यादा बॉलर को लेना मतलब कोई वाला काम हो जाएगा, ठीक है। इनके बेंच पे जितने बैठे प्लस हमने सबके स्टैट्स निकाली है, और टीम इनमें से किसी भी प्लस को मौका देती है तो जरूर आपको बताएंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी जुड़ेंगे दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल दोस्तों। विकेट की पसंद से आपको राहुल सोनी को पिक करना, हालांकि हफीज़ का बैटिंग से ना स्टैट्स बढ़िया था, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है
ये बंदा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कराया कर देगा। राहुल सोनी ने 51 रन का शानदार पारियाँ खेली थी। अपने स्मॉली की टीम में विकेट की पसंद से राहुल सोनी को पिक करेंगे। उनके अलावा बैटिंग से मांगेंगे हरुण घोष को पिक करेंगे। पुण्या मेहरा ने बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे करवाई थी, दो ओवर की बॉलिंग कराई थी, विकेट ना मिला था, बट प्लेयर शानदार है। टेक्निकली सेवन बैट्समैन है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोरिंग कराकर जाते हैं, तो आप इन पर रिस्क ले सकते हो। उनके बाद पुजारी आए थे। दोस्तों पुजारी को हमने स्मॉली की टीम में लास्ट प्ले गेम में कैप्टन करा था, काफ़ी कम सिलेक्शन था, इन्होंने 3 ओवर डाल के 2 विकेट निकाला था। बैटिंग थोड़ा सा नीचे करवाई थी बट बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग कर रहा है, तो फर्स्ट पिक रहेगा आपके लिए। उनके बाद इलाही को हम पिक कर रहे हैं। इलाही को इसलिए पिक कर रहे हैं क्योंकि बंदा ओपनिंग कराता है, ठीक है। बट अब एक चीज़ नोटिस करना होता है क्या कि अगर यहाँ पे बेंजीर भी खेलता है ना, इलाही नहीं खेलता, अगर बेंजीर खेलता है तो मैं स्मॉली की टीम में बेंजीर को जरूर पिक करके चल लूँगा दोस्तों। उनके बाद यहाँ पे दोस्तों सारे नीचे वीक प्लेयर है स्मॉली की टीम में, सबको छोड़ के चलेंगे। उनके बाद ए जोतिन को पिक करेंगे स्मॉली की टीम में, खालिद इब्राहिम को पिक करेंगे, मोतो को पिक करेंगे, और यहाँ पे स्मॉली की टीम में पिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर उस्मान ट्रोम्बो की, क्योंकि ये भी बंदा कम्प्लीटली ऑलराउंडर की भूमिका निभाएगा, अपन इनके साथ ही जाते हैं। मोहित रागो को पिक करेंगे, के ट्रोम्बो को पिक करेंगे स्मॉली की टीम में दोस्तों। हनीफ ने 3 ओवर की बॉलिंग कराई थी, बट यार यही चीज़ है ना कि कभी 2 कभी 3 ऐसा करवाता है, ज़्यादा विकेट अगर बॉलर नहीं है तो रिस्क तो रहेगा, बट इनके अलावा हम किसी के साथ जा भी नहीं सकते, सारे के सारे रिस्क ही प्लेयर है। बिलाल अहमद को ले सकते हो, मस्ट रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ, बाकी जो भी लास्ट टाइम में होगा मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी जुड़िएगा। रतेश मेरा कैप्टन रहेगा, खालिद मेरा वीसी रहेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन से आप चाहो तो रिवर्स कर सकते हो। लोग यहाँ पे स्मॉली की टीम में ये ज्योतिन को दे रहे हैं, वही अभय ज्योतिन है जो कि बैटिंग से लास्ट लगे में 30 रन कराया था, भाई बॉलिंग नहीं कराई थी, पता है अभय ज्योतिन है जो कि बॉलिंग सिर्फ बैटिंग करा था। अक्षय ज्योतिन एक प्लेयर है दोस्तों जो कि ऑलराउंडर से आपको दिखता है, अगर ये बंदा खेलता है ना तो आपको बॉलिंग कराते बिल्कुल भी नज़र आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो भी होगी लास्ट टाइम आपको डिस्कस करके जरूर बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप एक लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।